मंडी जिला के आराध्य देव कमरूनाग का मेला, जिसे स्थानीय भाषा में सरनाहुली मेला कहा जाता है, अभी भी जारी है। मेला समाप्त होने के बावजूद भी भक्तों की भीड़ घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। देव कमरूनाग के दर्शनों के लिए आज भी भक्तों का हजूम आस्था के सैलाब में डूबा हुआ है। मंडी जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर का सफर बस के माध्यम से तय करने के उपरांत एक ऐसी पहाड़ी की यात्रा शुरू होती है, जो आपको सीधे मंडी जनपद के आराध्य देव कमरूनाग के दरबार तक ले जाती है। चारों ओर देवदार के घने जंगलों के बीच और समुद्र तल से हजारों मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में विराजमान है मंडी जनपद के प्रमुख और आराध्य देव कमरूनाग। देव कमरूनाग मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के साजे वाले दिन मेले का आयोजन किया जाता है, और यही वह समय होता है जब लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां देखने को मिलता है। इस बार भी मेले में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और मन्नतें मांगी। प्रदेश के मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और शिमला सहित अनेक जिलों से देवता के भक्तों ने देव कमरूनाग के मेले में हाजिरी भरी। दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ से भी देवता के भक्तों ने देवता के मेले में हाजिरी भरी। मेला समाप्त होने के बावजूद भी भक्तों की भीड़ घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। देव कमरूनाग के दर्शनों के लिए आज भी भक्तों का हजूम आस्था के सैलाब में डूबा हुआ है। सर, ये मेला जो है काफी हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है, पांडवों के समय से मनाया जा रहा है, और कमरूनाग जी जो है यहाँ पे मंडी जिले के सबसे बड़े देवता हैं, और इनकी काफ़ी दूर दूर तक मान्यता है, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और हम भी इसी लक्ष्य में आए हुए हैं इस मेले में, और हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा है। जी जी, 2 बजे के चले हुए थे सुंदरनगर से, और तकरीबन कोई 11:30 बजे 6 किलोमीटर का पहला ट्रैक पार करके यहाँ पर पहुँचे। वहीं मंदिर कमेटी के पूर्व प्रधान ने बताया कि इस आस्था का इतिहास पांडवों के समय से जुड़ा हुआ है। देव कमरूनाग का जिक्र महाभारत में भी आता है। उन्होंने देव कमरूनाग के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। ये जो मेला है कमरूनाग का, ये बहुत पुराना है, पांडवों के टाइम से चला हुआ है, और सभी इसी दिन लोग श्रद्धालु आते हैं। और इसकी क्या तो कोई नहीं है, हमने बुजुर्गों से सुना है, तो वही हम बताते हैं। पांडवों को मानते हैं, पांडवों का ठाव करें, द्वापर युग की बात है, जब महाभारत हुआ था तो राजा रत्नेक्ष से नामा जाता जाना जाता है, तो क्या बात है देखनी, रास्ते में कृष्ण ने उसको छल लिया, बोले आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं महाभारत देखने जा रहा हूँ, बोले आप किसका पक्ष लेंगे, इन्होंने बोला मैं जिस तरफ हार होगी उस तरफ का पक्ष मैं लूँगा, तो कृष्ण ने फिर परीक्षा ली इनकी, बोले आपके अंदर क्या शक्ति है, तो वहाँ सामने एक पीपल का पेड़ था, और भगवान ने 2 पत्ते अपनी मुट्ठी में दबा के रख दिए, और बोला इस पेड़ को निशान लगाओ, जब उसने पेड़ को निशान लगाया तो सारे पत्ते बिंदे निकले, जब कृष्ण ने अपनी मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में भी देखा कि वो पत्ते भी बिंदे हुए मिले, और फिर बच्चन लिया इसने, कृष्ण ने इसे बच्चन लिया, तो बोले तेरा सिर काटना है, बोले आप बताओ बच्चन का क्या है, तो उसका बोलते हैं उसका सिर काट दिया गया, फिर उसने देखा कि मैं महाभारत देखूंगा पूरा ही, और उसको ऊँचे किसी पेड़ पर टंगा कर देखा। उसके बाद जब पांडवों की जीत हुई तो पांडवों ने इसको अपना ठाकुर माना, जब आगात वनवास पर पांडव आए तो यहाँ उन्होंने इस मूर्ति का स्थापना की। मान्यता है कि इस मंदिर में श्रद्धालु हर वर्ष अपनी मनोकामना पूरा होने पर पैसा और सोने व चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। मेले के दौरान देव कमरूनाग की पूजा की जाती है, और पूजा के दौरान ही लोग मांगी गई मुराद के पूरा होने पर झील में पैसा और आभूषण चढ़ाते हैं। सदियों से ये प्रथा चली आ रही है, और आज दिन तक इस बात का पता कोई भी नहीं चला पाया कि इस झील में कितना पैसा और सोना चांदी मौजूद है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज दिन तक कोई भी इस झील में फेंकी गई धनराशि को चुराने का साहस नहीं कर पाया, और न ही इस झील की गहराई को नाप पाया है। यह झील वैज्ञानिकों के लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं है। यदि कोई गलती से भी इस झील में समाये पैसे को निकालने का दुस्साहस करे तो इसके लिए उसे देव कमरूनाग के प्रकोप का शिकार होना पड़ता है। के चैनल के लिए विजय शर्मा की रिपोर्ट।